Good morning students, in this video we are going to study a new chapter, chapter number 10. So you have earlier studied in class 9th as well this chapter circles. Now what is circle? First of all the definition. So definition of circle is, a circle is a collection of all those points in a plane which are at a constant distance from a fixed point. Suppose this is a plane and all those points in a plane which are constant distance from a fixed point. Suppose this is a fixed point O and these are the collection of points which are equidistant. That is a constant distance. So these distances are called radii of the circle and the fixed point. This fixed point is called, ये जो आपका fixed point है इसको center of the circle कहते हैं, और ये जो आपकी constant distances है radius कहलाएगी, इसीलिए हम कहते हैं कि radii of the circle are same. So अगर ये A, O और B एक straight line है और कहाँ से pass हो रही है, center से, तो इसको हम कहेंगे diameter. ठीक है, सो डायमीटर वो लाइन सेगमेंट होती है जो सेंटर से पास होके और इसके एंड पॉइंट कहाँ होते हैं, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल. सो सर्कल की डेफिनेशन, अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल वो होता है जो फिक्स पॉइंट एंड द कॉन्स्टेंट डिस्टेंसेज दैट इज इक्विडिस्टेंट होते हैं सेंटर से, दे आर कॉल्ड रेडियस. रेडियस की एक और डेफिनेशन है, अ लाइन सेगमेंट हैविंग वन एंड पॉइंट ऑन द सर्कल एंड दूसरा एंड पॉइंट एट द सेंटर. सेंटर से लेकर सर्कल तक जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस. और ट्वाइस द रेडियस, अगर रेडियस को डबल किया जाए तो हम क्या कहेंगे उसको, डायमीटर. सो डायमीटर वो लाइन सेगमेंट होती है जो सेंटर से पास होके और उसके एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल होंगे.